नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों अब भाई महिलाओं के उनके मासिक धर्म से जो है रिलेटेड कई सारी समस्याएं आए दिन हुआ करती हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड एक टैबलेट है जो कि है दोस्तों मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट टैबलेट। ये जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट टैबलेट है ये मेडिकल स्टोर पे अपने पॉपुलर ब्रांड्स नेम से बिकती है, जैसे कि ये टैबलेट आपको मेडिकल स्टोर पे मीप्रेड टैबलेट, साथ ही साथ दोस्तों डेवेरी टैबलेट, ये दो टैबलेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। और ये टैबलेट आपको 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसी दवाई के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कि भाई ये दवाई आखिरकार है क्या, कैसे काम करती है आपके शरीर में, साथ ही इसके यूजेस क्या क्या हैं, किस किस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि भाई इस दवाई को कैसे लेना रहता है, कितना डोज जो है आपको लेना है, साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं और इस दवाई को कब उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई ये जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट है यानी कि मेडिसिन का साल्ट है, ये आखिरकार है क्या और ये जो है महिलाओं के शरीर में कैसे काम करता है। दोस्तों ये जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है ये एक प्रकार का प्रोजेस्टिन है। बात करें प्रोजेस्टिन की तो दोस्तों ये बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन जो है हार्मोन है। अब ये हार्मोन जो है महिलाओं के शरीर में होता ही होता है, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि इस हार्मोन की जो है महिलाओं के शरीर में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है अब संतुलन हार्मोन का बिगड़ता है महिलाओं के शरीर में, तो उनको सबसे पहले पीरियड्स से जुड़ी कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो दोस्तों अब फटाफट आपको बताते हैं कि भाई ये जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट टैबलेट है आखिरकार महिलाओं की कौन सी समस्याओं को ठीक करती है। सबसे पहली जो समस्या है जिसमें इस टैबलेट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वह है दोस्तों सेकेंडरी एमेनोरिया। अब ये जो सेकेंडरी एमेनोरिया है इसमें बेसिकली क्या होता है कि महिलाओं के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा महीनों तक जो है पीरियड्स ही नहीं आते हैं उनके। तो उस कंडीशन में जब ये टैबलेट दी जाती है तो महिलाओं में जो पीरियड्स ना आने की समस्या है वो ठीक हो जाती है और टाइमली जो है उनका जो मासिक धर्म है वो आने लगता है। अगली जो दूसरी कंडीशन है वह है दोस्तों ट्रीटिंग एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब ये जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है ये आपके शरीर में जब भाई इस हार्मोन की कमी हो जाती है तब जो है देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली यूटेरस से महिलाओं के जो है ब्लड आता रहता है और ये जो ब्लड है ये ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है और साथ ही ये आपके पीरियड्स के बीच में भी आ सकता है। तो दोस्तों एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इस दवाई का उपयोग करते हैं। और अगली जो कंडीशन है वह है दोस्तों एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के प्रिवेंशन में इसका उपयोग होता है। अब बात करें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों कि आपका जो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर वाली जो परत है उसमें वो परत क्या है भाई मोटी हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं को कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो यही कुछ कंडीशन है जो कि महिलाओं में इस दवाई का उपयोग इन्हीं कंडीशन को ठीक करने के लिए डॉक्टर करते हैं। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई आपको किसी दूसरी कंडीशन में भी इस दवाई को दें। अब आपको बताते हैं कि भाई इस दवाई को कैसे लेना रहता है और इसका डोज कितना जो है महिलाओं को दिया जाता है। तो इस दवाई का उपयोग आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि इस दवाई को दिन में सिर्फ एक ही बार लेना रहता है। तीसरी चीज कि भाई जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8-10 साल है उनमें इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरी चीज बात करें अगर हम डोज के बारे में कि कितने mg टैबलेट आपको लेनी है, तो दोस्तों जो अडल्ट महिलाएं हैं अगर उनको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है या फिर एमेनोरिया है यानी कि भाई उनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, तो उस कंडीशन में शुरुआत में आपको 5 mg की टैबलेट दिन में एक बार उपयोग करनी रहती है। वैसे डोज आपकी कंडीशन उम्र एज को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। और दोस्तों जो है अधिकतम जो इसका डोज है दिन का वह है 10 mg पर डे आप टैबलेट ले सकती हैं, इससे ज़्यादा आप इसका उपयोग नहीं कर सकती हैं। जब आप इसका उपयोग 5 से 10 दिन करती हैं तो आपको इस टैबलेट का जो है फायदा देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ इस दवाई का उपयोग जो है डॉक्टर करने की सलाह देते हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट भैया क्या कुछ आ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में आपके सर में दर्द होना, ठीक है, इसके अलावा आपके पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, आपको वीकनेस फील हो सकता है, कमजोरी लगना,
चक्कर जैसा महसूस होना, इसके अलावा जो है नर्वसनेस होना, तो ये दोस्तों इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसमें से। या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है तो इस दवाई को फर्दर उपयोग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो टैबलेट है ये आपको कब उपयोग नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है तो बिल्कुल भी इस दवाई का उपयोग ना करें। दूसरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी ये दवाई बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगी। किडनी और लीवर से संबंधित किसी प्रकार की गंभीर बीमारी होने पर भी इस दवाई को अपने आप से तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो मिड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट टैबलेट यानी कि मीप्रेट या फिर डेवेरी टैबलेट के ऊपर वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ में जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को यार सब्सक्राइब करो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।